कोई काम का हुक्म देता है,
अल्लाह तक्वा अख्तियार करने की बात करता है, क्योंकि तक्वा वो चीज है जो इंसान को अच्छे अमल की तरफ राग़िब करने वाला होता है। तक्वा वो चीज है जो इंसान को अच्छे अमल से फायदा उठाने का मौका राय करवाता है। अगर तक्वा नहीं इंसान सोहबत सालिकी का अख्तियार करे तो वो सोहबत सालिकी की इंसान को फायदा नहीं देती, क्योंकि इंसान के अंदर अगर बुराई है वो अच्छों की सोहबत में भी रहे तब भी उसके अच्छा होने की कोई इम्कान है, उसको इम्कान वापस पाया नहीं करना कि वो अच्छा है, उसके दिल खराब है, वो अच्छों की सोहबत में रहेगा तो उसका अच्छा हो जाना ये नामुमकिन सी बात हुआ करती है। इसीलिए खुदा तआला ने जब भी किसी बड़े हुक्म को देने का खुदा तआला ने बात की पहले तक्वा अख्तियार करने की बात की है कि तुम तक्वा अख्तियार करो। हम देखते हैं कि रसूल अकरम जब आफ्ताब नबूवत जब जलवा हुआ तो आपका चाचा रसूल अकरम का चाचा अबू जहल अबू लहब अबू लहब ये तमाम लोग रसूल अकरम के सामने मौजूद थे, रोजाना का जाने कितनी मरतबा रसूल अकरम को देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कभी रसूल अकरम को देखकर रसूल अकरम की तालीमात को देखकर रसूल अकरम की सीरत को देखकर कभी उनका दिल अच्छा नहीं हुआ, कभी वो ईमान की तरफ राग़िब नहीं हुए, क्योंकि उन लोगों के पास तक्वा मौजूद नहीं था, बुराइयों से बचने का मार्ग मौजूद नहीं था। और इसके बदला हम देखते हैं कि रसूल अकरम मदीने मुकर्रमा में है और हजरत उबैद कदी रजी अल्लाह तआला को हजारों मील दूर बड़ा में मौजूद है, इसके बावजूद हजरत उबैद कदी रजी अल्लाह तआला को रसूल अकरम की जात पर ईमान लाते हैं। इससे मालूम होता है कि इंसान को तक्वा पहली चीज है जो इंसान को अख्तियार करनी है। अगर तुम तक्वा अख्तियार करो तो सोहबत सालिकीन भी फायदा देगी, अगर तुम तक्वा अख्तियार करो जिक्रुल्लाह भी तुमको फायदा देगा। इंसान के पास तक्वा नहीं इंसान उसके बाद में गलत तय करते हुए जाए तो इंसान को तमाम चीजें फायदा नहीं देती। जिस तरह इंसान को अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर उसको तजवीज करता है वो परहेज उसको तजवीज करता है कि तुमको फला बीमारी है तुमको इन इन चीजों से परहेज करना है। अगर मरीज परहेज ना करे और साथ ही साथ गोलियां भी खाता रहे, परहेज को छोड़ता भी है और गोलियां भी खाता है तो वो गोलियां कभी उसको फायदा नहीं देती। इसीलिए खुदा ने कहा कि जिक्रुल्लाह फायदेमंद चीज है, मगर इसके लिए जो बुराई से परहेज करता है उसके लिए जिक्रुल्लाह फायदेमंद चीज है। सोहबत सालिकीन फायदा पहुंचाती है किसके लिए, जो बुराई से अपने आप को बचाता है उसको सोहबत सालिकीन फायदा पहुंचाती है। अगर इंसान अपने आप को बुराई से ना बचाए और ये चाहे कि मैं अच्छा हो जाऊं तो ये नामुमकिन से बात हुआ करती है। तो बताने का मकसद ये है कि खुदा तआला ने तक्वे का मकाम बहुत ऊंचा मकाम रखा है, हर अमल की बुनियाद खुदा ने तक्वे पर रखी है कि तुम अपने आप को बुराई से पाक करो तब कहीं चलकर तुम खुदा के हुजूर में अच्छे अमल करके कुछ बदला हासिल कर सकते हो। नमाज से पहले वजू करने की तालीम दी गई क्योंकि नमाज खुदा से मिलने की बात है और वजू इंसान को बुराई से पाक करने वाली चीज है। तो खुदा ने कहा कि तुम्हारे पास जो बुराइयां गुनाहों की वजह से जो बुराइयां तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे आंख पे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे पैरों पर जो गुनाह के असरात है तुमको चाहिए कि तुम अपने आप को वजू के जरिए उसको पाक कर लो, तब कहीं चलकर तुम खुदा के दरबार में पेश हो सकते हो। तो इंसान को हमेशा तक्वा अख्तियार करना चाहिए, जब तक इंसान तक्वा अख्तियार नहीं करता उस वक्त तक इंसान ना वो अच्छे अमल की तरफ राग़िब हो सकता है ना कोई अच्छा काम करे तो वो अच्छा काम उसको फायदा दे सकता है। इसीलिए खुदा तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालों तुम तक्वा अख्तियार करो, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो तक्वा अख्तियार करो, और उसके बाद खुदा तआला ने हुक्म किया वबतगू इलैहि वसीला तुम अल्लाह तक पहुंचने का एक वसीला तलाश करो। इस आयत शरीफा में इस हुक्म में इस आयत के टुकड़े में खुदा तआला ने इंसान को कयामत तक के लोगों को एक बहुत बड़ा एक आसानी का रास्ता खुदा तआला ने दे दिया। क्या ईमान वालों अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं, अगर तुम खुदा तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुमको रास्ता मालूम नहीं तो क्या करना है, वबतगू इलैहि वसीला खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला अख्तियार करो, क्योंकि इंसान जब तक वसीला अख्तियार नहीं करता उस वक्त तक इंसान को सही रास्ता मालूम नहीं होता, जब तक इंसान वसीला अख्तियार नहीं करता उस वक्त तक इंसान को मंजिल का भी पता नहीं चलता। इंसान के साथ इंसान के हाथों में जब वसीला रहता है बराबर उसका हाथ थामे हुए वो रास्ता तय करते हुए जाता है और अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। को खुदा ने दुनिया में भेजा फकत पैगाम सुनाने के लिए नहीं भेजा, कैसे
बनिए जहाँ पर मेरा जो पैगाम है वो लोगों को सुना दीजिए। इस मकसद पे इत्तेफाक तहत नहीं किया बल्कि रसूल का काम यह था कि पैगाम को सुनाए और जो खुदा तक जाना चाहते हैं उनको अपने हाथ पकड़कर उनको रास्ता बताए और मंजिल तक पहुँचाना ये अल्लाह के पैगंबरों का काम होता है। और रसूल ने वही किया कि जिन हजरात जो हजरात खुदा तक पहुँचने के लिए तड़प रहे थे